ओके तो स्पाइडरमैन से रिलेटेड गाइस बहुत सारे अपडेट आए हैं। तो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। इस वीक के दौरान स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आए हैं, लीक्स आए हैं, टॉयज आए हैं, एक्शन फिगर आए हैं, पीओपी आए हैं, जिसमें की कंफर्मेशन हो जाता है कि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन कौन सा सूट पहनने वाला है। और उसी के साथ उस बैटल के बारे में बात करेंगे जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन एक साथ लड़ने वाले हैं। तो वो कौन सी बैटल है, क्या है डिटेल, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले एक खबर आई है बहुत ही कमाल की इस वीक के दौरान ही कि जेंडा और टॉम हॉलैंड अब एक कपल बन चुके हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है और ये थर्ड स्पाइडरमैन कपल है, क्योंकि पहली वाली स्पाइडरमैन मूवी के कपल और देन उसके साथ अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के कपल भी बन चुके हैं। भले वो आज के टाइम साथ नहीं है, पर ये थर्ड कपल है जो कि अब शायद मे बी सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है और सामने काफी सारी इमेजेस भी आई हैं, तो जो कि आपस में किस भी कर रहे हैं कार में बैठ के। तो कन्फर्मेशन हो चुका है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है और ये स्पाइडरमैन के प्रीमियम में एक साथ हमें देखने को मिलेंगे रोमांस करते हुए और एक अलग से ही बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड अपडेट था। चलिए बात करते हैं अपडेट्स के बारे में जो कि एक्चुअल में अभी इस वीडियो का टॉपिक है मेन। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में आपको ब्लैक कलर का सूट देखने को मिलेगा जिसमें कि गोल्डन धारियां होंगी। जी हां, इसका ऑफिशियली पीओपी रिलीज कर दिया गया है आप मेरी स्क्रीन पर जैसा देख रहे हैं, और उसी के साथ एक्शन फिगर भी लॉन्च करी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। ये ब्लैक सूट आपको अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिलेगा, पर इसकी अभी तो कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है। पर मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि अब तक मार्वल्स के पीओपी जितने भी पॉपअप आए हैं वो हमेशा उल्टी सीधी चीजें रिवील नहीं करते हैं, वो हमेशा मूवी से पहले जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक्चुअल में मूवी में होता है। तो कि हमें ब्लैक सूट देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन का गोल्डन धारी के साथ, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसी के साथ अपग्रेडिंग सूट देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको गोल्डन कलर का स्पाइडरमैन का लोगो छाती पे दिखाई देगा। एक्शन फिगर ऑफिशियली पीओपी भी लॉन्च हो चुका है, आप खुद मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। तो मैं तो ज्यादा काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि फाइनली अब हमें स्पाइडरमैन के न्यू सूट देखने को मिलेंगे और ब्लैक सूट के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और इसी के साथ एक कैरेक्टर की कंफर्मेशन हो चुकी है और वो कैरेक्टर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा मॉर्बियस मूवी में, और उसी के साथ वेनम मूवी में भी देखने को मिलेगा, और अब आपको स्पाइडरमैन मूवी में भी देखने को मिलेगा जे जॉनसन, जो कि स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है और एक न्यूज कंपनी का मालिक है डेली व्यूगल का, तो ये कैरेक्टर भी रिटर्न हो रहा है। उसी के साथ इस कैरेक्टर में कोई एक्शन फिगर में कोई ज्यादा हाईलाइट तो है नहीं ऐसा कुछ, पर दूसरा जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज तो इस मूवी में देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है आईएगा मोटो भी फाइनली रिटर्न हो रही है जो कि थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम में नष्ट कर दी थी, खत्म कर दी थी। अब ये कैसे रिटर्न हो रही है इसका सवाल तो हमें अब स्पाइडरमैन मूवी में देखने को ही मिलेगा। तो सबके मन में क्वेश्चन बन चुका है कि ये कैसे है, कैसे वो रिटर्न हो रहा है आईएगा मोटो, तो वो तो अब मूवी देख के ही पता चलेगा। उसी के साथ अब बात करते हैं लीगो सेट के बारे में। तो फाइनली लीगो सेट रिवील कर चुका है कि आपको एक ब्लैक कलर का ड्रोन देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का सूट देखने को मिलेगा जो कि वल्चर के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पर वल्चर की भी तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। वल्चर आपको मॉर्बियस मूवी में देखने को मिलेगा, और शायद अगर स्पाइडरमैन मूवी में हुआ तो यानी कि बहुत बड़ा कनेक्शन है पूरे सोनी और मार्वल का जो कि धीरे धीरे रिवील होता जा रहा है। और उसी के साथ जो टॉयज में और सूट दिखाया गया उसकी फुल एचडी आप इमेज मेरी स्क्रीन पे देखिए कितना ज्यादा क्लासिक लग रहा है, और एक्यूरेट यही सूट हमें देखने को मिलेगा गोल्डन लोगो के साथ और रेड कलर सूट और ब्लू कलर के सूट के साथ मूवी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ अब बात करते हैं बैटल के बारे में जिसका मेरे को काफी टाइम से इंतजार था इस वीडियो में। तो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर जो कि न्यूयॉर्क में है, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर में किसी से लड़ने वाले हैं, और देन वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन की मशीन जैसा लग रहा है। तो यानी कि इस मूवी में स्कॉर्पियन होगा और वो एक ड्रोन टाइप की मशीन का यूज करेगा इन दोनों से लड़ने के लिए, और वो लड़ाई होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर। तो सेट को देख के तो यही लगता है। देन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवरऑल बहुत मुझे कमाल का लग रहा है ये सब कुछ, बस जल्दी से ट्रेलर आ जाए। और देन आपको बता दूं कि 1 वीक का और टाइम रह गया, 9 तारीख को ब्लैक विडो आ रही है, और देन शायद हमें ट्रेलर भी देखने को मिल जाए। तो 9 तारीख का वेट करते हैं, और देन जैसी कोई कंफर्मेशन आएगी ट्रेलर से रिलेटेड मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।